अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सफ़रोन का फूड रिव्यू भी, और इसका ओवरऑल भी मैं आपको जो है वो रिव्यू दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग, एक तो ये है कि अचानक ही आए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम जब कहीं पे जाती हूँ तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ पे हम जब आए तो आप ये देख सकते हैं, ये जगह ना थोड़ी सी मुझे छोटी लगी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे हम भी जाएं, ट्राई करें, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये जगह जो है ये मुझे बस ठीक लगी, लेकिन जब मैं ऊपर गई, ऊपर इनका बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था और बहुत ज़्यादा रश भी था, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे और अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि हम लोगों के आगे जो है कैमरा लेके वीडियो बनाएं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, तो इसलिए ये चीज़ मैं थोड़ी सी ना मैंने यहाँ पे अवॉइड की, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि ऊपर इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन्यू की तरफ। मेन्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ सारा मेन्यू कार्ड, ताकि आप देख लें, आपको भी आइडिया हो जाए। अच्छा, ये जो है ना, मैं वैसे कहीं और जा रही थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर रश देखा ना, बहुत ज़्यादा लोग थे, आ रहे थे और जा रहे थे, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस करना चाह रही थी, और रिव्यू तो मैं आपको ज़रूर ही देती हूँ। अब जब तक आप मेन्यू देखें, मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देती हूँ, फिर मुझे भूल जाएगी। ये मेन कमर्शियल मार्केट में है, सेटेलाइट टाउन में, रावलपिंडी में। और आपको जैसे कि मैंने अभी बताया ना, मुझे यहाँ का आइडिया नहीं था, बस मैं ऐसे ही आई थी, जो कि मैं व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। ये जो है ना मेन कमर्शियल मार्केट में है, और जो आपकी लाइन है रिफ़्रेशमेंट सेंटर वाली, या वैसे आप मैप पे भी लगा लें तो भी आ जाएगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से गई थी। अच्छा जी, मेन्यू आप देख लें, प्राइजेस मुझे इनकी रिजनेबल ही लगी, मुझे बहुत ज़्यादा प्राइजेस इनकी ज़्यादा नहीं लगी हैं, तो मुझे ठीक लगी थी। अब यहाँ पे आई क्यों थी, क्योंकि मुझे खाना था चाइनीज़, और जब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा तो मुझे इनका प्लेटर अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना जो है वो मैं चाइनीज़ ट्राई करूँ सबसे पहले। लेकिन मौसम बहुत ठंडा था, बाहर हो रही थी बारिश, सही वाली बारिश, तो इसलिए जी सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया सूप, चिकन कॉर्न सूप ऑर्डर किया। अब एक बात मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि हम जब भी जाते हैं ना इस तरह से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ें मंगवाएं और क्वांटिटी जो है वो कम रखें। एक तो मुझे रिव्यू भी देना होता है और मुझे वैसे एक्सपीरियंस भी करना होता है, हमें आइडिया हो जाता है, तो मैंने इसलिए ना सबसे पहले एक सूप ऑर्डर किया, ताकि मैं उसकी क्वांटिटी भी देख लूँ और देख लूँ अच्छा है या नहीं अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट टाइम आएंगे या अभी होगा तो बाद में ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप सूप देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और ये सूप था भी बहुत अच्छा। तो पहले जो सूप आया तो उससे मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई कि हाँ अच्छा है, क्योंकि इस तरह के जब आप रेस्टोरेंट्स में जाओ ना, तो थोड़ा सा रिस्क ही रहता है सूप का, तो हमेशा मुझे यही होता है पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि कोई थोड़े से अच्छे रेसिपी में बने होते हैं, कोई ज़रा देसी टच में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सबकी रेसिपीज़ होती हैं। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखें, कॉर्न्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश थे, चिकन भी बिल्कुल फ्रेश था, और मुझे ये वाकई बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको फुली रिकमेंड करूँगी। तो यहाँ पे बारिश में बैठ के मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने सूप इंजॉय किया, अच्छा खासा बड़ा बाउल था, बहुत अच्छा था टेस्ट में भी, तो हम दोनों को तो बहुत अच्छा लगा। तो पहली चीज़ जो हमने, पहला जो ऑर्डर था हमारा, वो तो हमें खुश कर दिया उसने। अब आ जाते हैं जी, दूसरा ऑर्डर क्या किया था मैंने। एक तो मैंने मंगवाया था चिकन टिक्का, और प्राइसेस मैंने आपको मेन्यू कार्ड दिखा है एंड मैं बिल भी दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। और जो चिकन टिक्का है ना, एक पराठे के साथ था, एक पराठे के बगैर था, और ये मैंने इसलिए मंगवाया कि अगर हस्बैंड चाइनीज़ नहीं खाएंगे तो वो ये खा लेंगे। वैसे तो हम दोनों ने मिल के खाया था, क्योंकि मैं खाती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैं रिव्यू देती हूँ, तो इसलिए मैं टेस्ट भी करती हूँ, खाती भी हूँ और उसके बाद रिव्यू देती हूँ। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे एक तो ये प्लेटर देख लें, चाइनीज प्लेटर,
अब सबसे पहले इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये हमने दो जो ग्रेवीज हैं ना ये खुद ही सिलेक्ट की थी। मैंने मंचूरियन कहा था और मेरे हस्बैंड ने एक साथ कही थी कैश्यू नट। अब जैसे ही हमने ये खाना स्टार्ट किया तो ये बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ठंडा था। मतलब हमने यहाँ पे जैसे ही टेस्ट किया उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया कि हमें आप गर्म करा के दें। और चिकन टिक्का भी बिल्कुल ठंडा था, हालांकि मैंने कहीं ठंडा टिक्का नहीं खाया। टिक्का ये होता है कि जो भी सर्व करें तो ज़रा गर्म आता है, तो वो भी हमने पहले गर्म कराया। उसके बाद फिर हमने जब चाइनीज़ प्लेटर खाना स्टार्ट किया तो वो भी ठंडा था। तो पहले तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होता है ना वो यही होता है कि फ़ूड गर्म गर्म सर्व किया जाए जब भी आप कहीं खाना खाने जाते हो। तो खैर हमने उनको कहा, सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना हमें गर्म करा दिया। मतलब 5 मिनट लगे होंगे और दोबारा जो है वो गर्म करा के और उन्होंने हमें दिया। अब आ जाते हैं इसके टेस्ट की तरफ के टेस्ट कैसा था। अच्छा टेस्ट जो है ना, मैं चाइनीज़ खाना क्यों चाह रही थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ज़रा फीका होता है ना जो सही चाइनीज़ होता है, तो मैं चाह रही थी मुझे हल्के मसाले का खाना है। अब यहाँ पे जब हमने खाना स्टार्ट किया इतनी ज़्यादा मिर्चें थी कि बस धुएँ निकल गए थे कानों से। मुझे समझ नहीं आई कि चाइनीज़ में मैंने कभी इतनी मिर्चें नहीं खाई कि मतलब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और बिल्कुल देसी टच था, बिल्कुल देसी वाला चाइनीज़ था ये। और बिल आप देख लें, बिल मैं इसलिए ज़रूर दिखाती हूँ ताकि अगर आप जाना चाहें तो आपको आइडिया हो जाए। ये था इसका टोटल बिल जिसमें सर्विस चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। अब उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना वो जो मिर्चें लगी हुई थी ना, आग लगी हुई थी कि मेरी आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, इतनी ज़्यादा मिर्चें थी। और मैं वैसे भी मिर्चें ज़्यादा नहीं खाती, और जब आप चाइनीज़ खाने जाओ और स्पेशल इस तरह की चीज़ मंगवाओ और उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें हो तो फिर तो आपका हाल वैसे ही बुरा हो जाता है। बाहर हो रही थी तेज़ बारिश तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो जब तक बारिश थोड़ी सी कम होती है तो आइसक्रीम खा लेते हैं, मैं ट्राई भी कर लूँगी और रिव्यू भी दे दूँगी, और थोड़ा सा जो ये मिर्चें लगी हुई आग लगी हुई है ना ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आइसक्रीम मैंने ऑर्डर की थी और ये 150 रुपीज़ की है। 2 स्कूप मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए थे और उसके ऊपर मैंने टॉपिंग कराई थी, टॉपिंग के साथ जो है 150 का है, वैसे थोड़ा सा कम है। आइसक्रीम के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, रिव्यू दे दूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और स्पेशली जो लोग टॉपिंग वाली आइसक्रीम जिनको अच्छी लगती है, जिनमें फ्रूट कॉकटेल होता है, पाइनएप्पल्स होते हैं, तो उनको तो ये बहुत अच्छी लगेगी। मुझे जो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ना, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी, तो फर्स्ट इनका सूप और सेकंड जो है वो आइसक्रीम, वो भी उन लोगों को, उनको जो कि शौक़ से टॉपिंग वाली आइसक्रीम्स खाते हैं या कॉकटेल वाली खाते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और बिल मैंने आपको दिखा दिया है। एक्सपीरियंस हमारा बस ठीक ही था, और अगर मैं नेक्स्ट टाइम आई इंशाल्लाह ताला तो मैं सूप प्रेफर करूँगी या फिर मैं आइसक्रीम प्रेफर करूँगी, या अगर मैंने कोई और चीज़ ट्राई की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन चाइनीज़ का और बाकी चीज़ों का मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा नहीं रहा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपका यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते ये बताऊं कि बार बार लाइट जा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आपको अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन आइसक्रीम खा के ना एंड में मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।